कल सुबह के लिए मॉर्निंग ड्रिंक तैयार करनी है। सिचुएशन काफी स्वेटी हो रखी है तो वॉक करते रहोगे या फिर रूम में अपने मील्स आप पहले भी प्लान करोगे तो बेटर रहता है, थोड़ा और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा और न्यूट्रिशियस हो जाएगा। अगर आप लोग स्ट्रेस लोगे या मूड खराब करोगे तो वो भी आपके वेट पे असर करता है। 8 बजे से पहले पहले खत्म हो जाएगा डिनर। अभी एक्चुअली रात के 12 बज रहे हैं, एक दिन पहले, मतलब जो व्लॉग आप देख रहे हो जिस दिन का, ये उससे एक दिन पहले रात का मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मुझे कल सुबह के लिए मॉर्निंग ड्रिंक तैयार करनी है। ऑल्सो चना कल मैं बनाने वाली हूँ, छोले, व्हाइट चना, जो व्हाइट छोले होते हैं वो, तो मैं वो भी सोख करके रख देती हूँ। इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक रात पहले अपना प्लान कर लोगे ना मील, तो नेक्स्ट डे की आप तैयारी रात को भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। तो इस वजह से अपने मील्स आप पहले भी प्लान करोगे तो बेटर रहता है। और मुझे भयंकर नींद आ रही है इस टाइम पे, बट फिर भी मैंने सोचा कि उठ जाते हैं और ये फटाफट से छोटा मोटा काम है ये कर लेते हैं। ऑल्सो अभी मैं सोने से पहले, मतलब मैंने कल वाले व्लॉग में नहीं बताया था बट अभी बता रही हूँ कि सोने से पहले एक ग्लास गर्म पानी पी के सोऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी दिक्कत आई थिंक ठीक हो जाएगी उससे, तो वो ले लेती हूँ। नहीं तो मेरे पास इसबगोल भी पड़ा है तो माइट ऐड दैट ऑल्सो इन माई हॉट वाटर और वार्म वाटर। तो फटाफट से वो लेते हैं और पहले अपना काम कर लेते हैं। अरे व्हाइट छोले एक्चुअली खत्म हो चुके हैं तो वो तो बन नहीं पाएंगे, बट मेरे को राजमा मिल गए हैं तो राजमा बनाते हैं। राजमा भी मतलब भिगो देती हूँ क्योंकि इसको भी रात ओवरनाइट सोक करना ही होता है, तो कल के राजमा बनाएंगे। और कल मुझे ना एक तो ग्रोसरी लिस्ट भी बनानी है जिसको हम बोलते हैं राशन, तो वो भी मुझे प्रॉपर लिस्ट बनानी है ताकि मैं मंगवा लूँ फटाफट से और ये खत्म होने का कोई सीन ही ना हो सामान का। तो या बट अभी पहले ये भिगोते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो हाय, माय नेम इज शिवानी एंड आई पोस्ट वीडियोस रिलेटेड टू चैलेंजेस, वेट लॉस, बिकॉज आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी एंड ब्लॉग्स। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सुबह के 7:15 बजे है, मैं 6:15 के अराउंड उठी थी, फ्रेशन अप हुई, उसके बाद अब बारी आ चुकी है वर्कआउट की, तो उससे पहले मैं मॉर्निंग ड्रिंक पीने वाली हूँ। एक्चुअली जब मैं सुबह उठी थी ना, फ्रेशन अप होकर मैं दोबारा सो गई थी थोड़ा सा 15-20 मिनट, फिर मैंने पावर नैप ले ली थी थोड़ी सी सुबह ही। तो अब मॉर्निंग ड्रिंक के लिए मेरे पास है जीरा वाटर, मैं ओवरनाइट जीरा पानी के अंदर सोख करके रखा है, अब इसको मैं बिना गर्म करे ऐसे ही पीने वाली हूँ और उसके बाद फिर हम वर्कआउट के लिए चलेंगे। वर्कआउट और अभी सिचुएशन काफ़ी स्वेटी हो रखी है तो आई थिंक मुझे पहले शावर ले लेना चाहिए कुछ भी खाने पीने से पहले। और एक्चुअली मम्मी, पता है सामने वाले भैया ने मेरे लिए गेट खोला आज क्योंकि मम्मी सो ही रही है तब से, मतलब मम्मी की नींद नहीं खुली, मैं 6 बार घंटियाँ बजा चुकी हूँ और मैं चाबी उठाना भूल गई, तो अंकल ने सामने क्योंकि उनके पास भी हमारे पास चाबी रहती है तो उन्होंने मेरे लिए आके खोला है कि रुक मैं खोल देता हूँ। तो मैं 10-15 मिनट से नीचे ही खड़ी थी कि कोई खोल दो, तो मैं फटाफट से पहले शार ले लेती हूँ और ज़ारा जी को भी आज शार देना है तो उनको भी देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ क्योंकि अब मैं नहा धो के ही किचन में घुसूँगी। और बाय द वे अभी टाइम हो रहा है, मैं बता देती हूँ ना, 8:53, अभी 8:53 हुए हैं, शायद 53 को 53 ही कहते हैं। आई विल टारगेट कि मैं 9:30 तक मैक्सिमम डिनर ले लूँ, 9:30 डिनर कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट ले लूँ, चक्कर आ रहे हैं मुझे एक्सरसाइज का असर हो रहा है लगता है। हाँ, सो 9:30 से 10 बजे तक। ज़ारा तू क्या कर रही है, क्या कर रहा है तू, शुंगी क्या कर रहा है तू? हेलो ब्यूटीफुल, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो भाई, शुंगी करता रहता है, शुंगी चल नहीं करें। एक तो इसको नहलाना भी इतना बड़ा टास्क होता है ना, इस लड़की को इतना ज़्यादा बड़ा टास्क होता है। अच्छा सॉरी इसने नया गेम सीख लिया है, अगर इसको गेम खेलना है तो मेरी चप्पल पकड़ के और मेरे को पूरा अपने लॉक कर लेते हैं हाथों से, बहुत तंग करने लग गए। चलो मैं नहाती हूँ पहले, ये बट गिर गिजे रहे, आई मीट यू सून गाइस। नहा
हाथ धोके हो गए हैं रेडी। जारा ने आज इतना टाइम लगाया ना नहाने में, मतलब वो नहा ही नहीं रही थी तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया और थोड़ा लेट भी हो गया, बट मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर ली है। ये एक मिनट दिखा देती हूँ, मैं बना रही हूँ आज मिक्स वेजिटेबल उत्पम। तो ये मैंने बैटर बना लिया है, इसमें है सूजी, ओट्स और दही और पानी। मैंने ये सब मिक्स करके और क्या डाला था, नमक मिर्च डाली है। इसमें मैं पानी थोड़ा और डालूंगी, आई थिंक थिक ज़्यादा हो गया। इसको 10-15 मिनट सोक करके रख दिया था। अब इसका बनेगा उत्पम। और वेजीज के लिए मैंने लिया है टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली। ऑल्सो मैं जब उत्पम पहले बनाती हूँ तो मैं सूजी और दही और पानी यूज़ करती हूँ, ओट्स यूज़ नहीं करती, बट इस बार मैंने सोचा ओट्स भी डाल लेते हैं, थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो फटाफट से बनाना शुरू कर देते हैं। ब्रेकफास्ट इज रेडी। सो उत्पम बना है। अगर मेरे पास पनीर होता ना, पनीर भी ग्रेट करके डाल देती, बट पनीर अभी है नहीं तो मैंने इसलिए नॉर्मल बना लिया है। अब इसको धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम्स चू करके खाएंगे दोस्तों, आराम से एंजॉय करके खाएंगे। एंड आज आई विल ट्राई कि मैं जो मेरा स्क्रीन टाइम है वो यूज़ ना करूँ, लाइक कोई भी कुछ वीडियो वगैरह ना देखूँ खाना खाते टाइम, और पूरा ध्यान अपना खाने पर ही लगाऊँ। साथ में मैंने ग्रीन चटनी ले ली है जो मैंने कल बनाई थी। सो है यू गो, टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट भी बहुत सही लग रहा है ऐसा, जो मैंने ओट्स डाले हैं उसका अलग से कोई फ्लेवर नहीं आ रहा। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया, आप एक बार ट्राई करके देखना। अगर आप सूजी, बेसन या ओट्स इन मतलब इनको मिक्स करके बनाओगे ना, लाइक बेसन ओट्स या फिर सूजी ओट्स, तो बहुत ही सही फ्लेवर आता है। लाइक ओट्स का पता भी नहीं चलता कि आपने ओट्स डाला है। एंड इसमें तो मैंने पीस के भी नहीं डाला, मैंने जैसे मेरे पास जो पैकेट में था मैंने वैसे ही डाल दिया। तो आप पीस के भी डाल सकते हो इफ यू वांट, बट ऐसे भी पता नहीं चल रहा ओट्स डले हैं। तो आप चाहे चीला बना लो, बेसन चीले में ओट्स डाल लो, चाहे उत्पम बना लो, व्हाट एवर यू वांट टू मेक, आप उसमें ओट्स डाल सकते हो। बाद मैंने काफ़ी काम कर लिया है अपना, एडिटिंग मैंने ट्रांसफर कर लिया, फुटेज ट्रांसफर कर लिया। अब एडिटिंग कर रही थी जो आज वीडियो जानी है, मतलब डे नंबर 1 ऑफ दिस जून वेट लॉस जर्नी। सो अभी बारी है, अभी वैसे टाइम हो चुका है, मैं बता देती हूँ, इट इज़ करेंटली 1:26, डेढ़ बजने वाला है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार एडिटिंग करने बैठूंगी ना तो आधी तो कर ली है, लेकिन अब एक बार बैठूंगी तो फिर पूरी करके ही उठूंगी। और अभी रूम में बैठ के लंच कर रही हूँ क्योंकि बाहर साफ सफाई चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा घर में कह रही हूँ, अपने रूम में ले आती हूँ और आराम से खा लेती हूँ। और जारा जी तो तंग कर दिया ना, जारा जी हेलो क्यूटी बच्चू। मैंने छाछ बना लिया बटर मिल्क, जिसको नहीं पता छाछ इज बटर मिल्क। इसमें मैंने दही, काला नमक और मम्मी ने ना पुदीना भी सुखा के रखा था, पुदीना सुखा के रखा हुआ था, तो मैंने पुदीने का ही पाउडर डाल दिया है और साथ में पानी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो अब इसको आराम से एंजॉय करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं ऐसे बनी कैसे है पुदीने के साथ, क्योंकि मैंने आज तक वैसे पुदीना डाल के तो नहीं बनाई। पुदीने का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सो मैं आराम से एंजॉय करती हूँ और राजमा भी टेस्ट कर लेते हैं, बड़ी देर से मन कर रहा था। राजमा चावल किस किसके फेवरेट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या राजमा बने, मज़ेदार। लंच करे हुए अभी हो गए 15-20 मिनट और अब मैं ना रूम में ही 3-5 मिनट के लिए, लाइक 5-10 मिनट के लिए वॉक करूंगी और खाना खाते एकदम बैठूंगी नहीं, और साथ में कोई वीडियो लगा लेती हूँ पीछे टीवी पे, तो वॉक करती रहूँगी ऐसे ही रूम में और वीडियो भी देखती रहूँगी। तो आप भी कर सकते हो कि अगर आप एक जगह पे बहुत टाइम से बैठे हो तो उठ के थोड़ी देर वॉक कर लो, चाहे 3 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, थोड़ी थोड़ी वॉक करते रहो। लंच करने के बाद आई टुक अ छोटू सी पावर नैप और अब मैं उठ चुकी हूँ, बिकॉज अभी भयंकर नींद हो रही है, मतलब नींद आ रही है, बट अब उठते हैं और एडिटिंग शुरू करते हैं। दोपहर की जो नैप होती है ना कुछ अलग ही होता है, मतलब ऐसे नशा सा हो जाता है ना सो के, बट अब उठते हैं और काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम ऑल्सो यू शुड टेक अ 15-20 मिनट्स की ऐसे पावर नैप, मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली 30-45 मिनट्स की, बट ठीक है। और अभी तो और मन कर रहा है सो जाओ, बट अब चलते हैं दोस्तों, काम करते हैं, बहुत काम है। हाय रब्बा, लेट्स गो गाइस, लेट्स डू सम एडिटिंग। इट इज़ करेंटली 5:18 एंड मैंने अपने लिए ले लिया वाटरमेलन, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी भूख लगने लग गई थी, तो मैंने इसलिए फ्रूट ले लिया। और वाटरमेलन मेरा वैसे ही फेवरेट है,
तो फटाफट से इसको एंजॉय करते हैं। और अभी मैं वैसे देख रही थी यूट्यूब पे वीडियोस, पता है आजकल ना कुछ ज़्यादा करने को हो नहीं रहा, मतलब एक सेकेंड, हाँ आजकल कहीं बाहर हम जा नहीं रहे, अंधेरा हो गया, ओह माय गॉड, एक सेकेंड दोस्तों रोशनी आने वाली है, ओके सो अभी बाहर का भी कुछ ऐसा काम नहीं है, आजकल दिन थोड़े चिल जा रहे हैं, किसी से मिलना मिलाना नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो घर पे ही बस एडिटिंग, अपलोड, यूट्यूब वीडियोज़, नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स पे मैं सिर्फ फ्रेंड्स देखती हूँ, आई डोंट नो, मतलब मेरे को फ्रेंड्स से ना अलग ही वो, जब भी मेरा मतलब मैं रोज़ रात को सोने से पहले फ्रेंड्स देख लेती हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, तो अगर आप भी मेरे जैसे हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बात बता दूं कि अगर आप लोग पानी का इंटेक बढ़ाओगे ना अपनी लाइफ में, तो आप बार बार वॉशरूम जाते रहोगे, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा चक्कर लग चुके हैं ना अब तक वॉशरूम के, मैं अपने रूम से इतना घूमी हूँ ना आज वॉशरूम के चक्कर लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो पानी वैसे तो अच्छी बात है, मतलब कि मैं ज़्यादा पानी पी रही हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली ज़्यादा पानी पीने के बाद ना बार बार वॉशरूम 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 हो जाता है। सो अब तक मैं आई थिंक 3 लीटर ख़त्म कर चुकी हूँ, और अभी 5:30 या पता नहीं क्या टाइम, मुझे टाइम भी नहीं पता, एक तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:15 हो गई है, मुझे लगा था 5:30 है, ओहो टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी हो चुकी है 6:15 और 3 लीटर पानी हो चुका है, तो आई थिंक हम 4 लीटर का मार्क कंप्लीट कर लेंगे, सो गोइंग गुड गोइंग गुड। आप लोगों का आज वाटर इनटेक कैसा रहा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप ये वीडियो दिन में देख रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप लोग भी आज का जो अपना मार्क है वाटर इनटेक का वो कंप्लीट कर लो। और ज़ारा जी आई है अभी मम्मी के रूम से सोते सोते, और अब उबासियाँ चलती हैं यहाँ पर। हाय जाया, हाय, कितना नीनू कर है तू, कितना नीनू कर है, मैडम जी पूरी रात उठी रहती है और पूरे दिन सोती रहती है ना जारा। मम्मा चाय पीनी है आपने, बना दो चाय, 7 बजने वाले हैं। तो अभी बजे 6:50 और मैं तब से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, थंबनेल बनाने में थोड़ा टाइम लग गया आज, और अपलोड भी अभी तक हुई नहीं है, कितनी परसेंट हुई है, 72% अपलोड हुई है वीडियो भी। तो मैंने अभी मैं किचन में आ गई क्योंकि मैं सोची मैं डिनर अपना बना लेती हूँ और मम्मी के लिए चाय रख देती हूँ। सो डिनर में आई थिंक राजमा बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो मैं राजमा ही रिपीट करूँगी, साथ में रोटी बना लूँगी क्योंकि जो राइस बनाए थे दोपहर को वो खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं रोटी बनाती हूँ और मम्मी के लिए चाय रखनी है। एक तो ये मेरा नेट इतना ज़्यादा मुझे बीटी दे रहा है ना, एयरटेल लगवाया हुआ है, जबकि तब भी एयरटेल भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा है आजकल। अभी 7:12 हो चुके हैं और अभी अपलोड हुई है 88%, तो इसको रख देते हैं साइड पे अपलोड हो जाए, ताकि आई होप कि 7:30 तक वीडियो चली जाए लाइव। और डिनर में मैंने लिया है एक चपाती, ये दाल के आटे की चपाती है, और साथ में एक कटोरी राजमा। एंड आई थिंक कि मेरी डाइट में ना कल से मुझे सैलेड भी ज़्यादा ऐड करना है, तो कल सुबह मैं पापा से पूछती हूँ अगर वो मंडी गए तो मेरे साथ, या फिर नीचे ही जो सब्जी वाले भैया आएंगे उनसे कल मैं ढेर सारा सैलेड ले लूँगी, क्योंकि आई थिंक सैलेड की कमी है फिलहाल। और प्रोटीन भी धीरे धीरे जैसे हो पाएगा आई विल इंक्रीज, और जितना मतलब प्रोटीन ले सकती होंगी वो लूँगी। ऑल्सो रुजुता मैम के अकॉर्डिंग कभी भी खाने को ना डिवाइड नहीं करना चाहिए कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स में, बट स्टिल हमने पढ़ा है कि प्रोटीन लेनी होता है बॉडी के लिए, एंड काफ़ी अच्छा होता है। और मैं फील अच्छा, मेरे स्क्रीन पर कुछ लगा हुआ था, मुझे लगा मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। हाँ तो हमें पता है कि बॉडी के लिए ये सब ज़रूरी है, और स्पेशली मेरे को नी में पेन है, तो उसके लिए वैसे मुझे प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना ही चाहिए। तो आई विल आई थिंक बाय ओजीवा का प्रोटीन, या फिर घर पे ही जो सत्तू पाउडर है और ये सब है, वो सत्तू ड्रिंक ये सब ऐड करूँगी, बट फिलहाल अभी डिनर करते हैं। और देसी घी भी लेके आना है यार, देसी घी ख़त्म हो गया था और बिल्कुल याद नहीं रहता, रोज़ मैं भूल जाती हूँ लाना, आराम से इन्जॉय करते हैं। और अभी 7:15 भी नहीं हुआ है, मेरा डिनर मैं करने वाली हूँ, मतलब देख रहे हो 8 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा डिनर। और डिनर करने के बाद या तो मैं वॉक पर चली जाऊँगी ज़ारा को लेके, नहीं तो ऊपर छत पे ही ले जाऊँगी इसको, थोड़ी देर ये भी खेल लेगी, मैं भी ऊपर ही वॉक कर लूँगी। दिस इज़ द नेक्स्ट डे, बट मैं कल रात को व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरा मूड बहुत ख़राब था किसी चीज़ को लेके, और मैं खराब मूड से व्लॉग में नहीं आना चाहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आउटरो आज नहीं करते कल कर दूंगी। तो हेयर आई एम टू एंड द वीडियो, अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप किसी जर्नी पे हो लाइक फैट लॉस जर्नी या वेट लॉस जर्नी, तो आपका जो स्ट्रेस है उसका बहुत लाइक रोल होता है, अगर आप लोग स्ट्रेस लोगे या मूड खराब करोगे तो वो भी आपके वेट पर असर करता है। सो बिकॉज कल रात को एक्चुअली मेरा मूड किसी बात पर खराब हो गया था, एंड देन आई रियलाइज
पेरेंट्स की यार किसी और के लिए या फिर यू नो लड़ाई झगड़े या फिर घर पे ये वो फलाने में जो भी होता है ना उसकी वजह से अपना मूड खराब मत करो। डेफिनेटली आप अपने तरफ से अच्छा करो जो कर रहे हो, लेकिन मूड मत खराब करो अगर कुछ हो भी जाता है तो। बोलना बहुत आसान होता है लेकिन मेरे को भी पता है बिकॉज आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। जब रियलिटी आती है तो मूड और सब खराब ही हो जाता है, बट स्टिल मुझे फोकस करना है अपने मूड और अपने स्ट्रेस पे कि मैं स्ट्रेस ना लूँ ज़्यादा। तो आज का ज्ञान यही होगा कि अपने मूड को अच्छा रखो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और ट्राई टू लिव हैप्पीली एंड दूसरों को भी खुशी रखो जितना रख सकते हो। बाकी अगर किसी को खुश नहीं होना है तो वो उसकी मर्जी है, बट हाँ डेफिनेटली अपना मूड अच्छा रखो। सो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यू कैन ऑल्सो लीव योर सजेशन इन द कॉमेंट सेक्शन, जैसे मेरा सैलड इनटेक बढ़ाना है, प्रोटीन भी थोड़ा ठीक करना है जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी कभी बीच में बोला था, तो वो चीज़ मैं धीरे धीरे कर लूँगी। एंड अगर आपके पास और कोई सजेशन है आप ड्रॉप करो। और या अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है तो कल भी वीडियो आने वाली है 7 बजे के अराउंड, तो देख लेना। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। आई मिस यू टू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय।